So yesterday there was a problem, okay, and I disconnected in between. So today, if such kind of problem appears, kindly somebody call, give me a call so that quickly I can able to start with the things, okay? Okay. So 1 minute, I will just open it up. Okay. Is this PPT is visible, all of you? Yes, ma'am. Yes. Okay, thank you so much. Okay. So yesterday we have completed the pipelining section. Okay. Now today we will go for the branch prediction, data flow analysis, and speculative execution. And after this, probably I will share today. Yesterday I didn't got a time to share this video because I was engaged with some important activity and meetings, but today I will share it definitely because as soon as we will finish the unit number one, then we will be completing our CE for the unit number one. Okay, CE part. So that is the pipelining. Okay, yesterday we have seen pipelining. I will tell you about the pipelining also. Okay. This is the one particular डायग्राम विच आई वॉन्टेड टू शो यू फॉर द पाइपलाइनिंग, जिससे आपकी पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगी. ओके, सी दिस इज द साइकिल, क्लॉक साइकिल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट, वॉट एवर वी आर लुकिंग इन टू रेड रीजन इज कॉल्ड एज द वेटिंग इंस्ट्रक्शन. दीज आर द ऑन गोइंग इंस्ट्रक्शन एंड दीज आर द कंप्लीटेड इंस्ट्रक्शन. ओके, सो इफ यू गो फॉर दिस रेड इज ओनली अ वन काइंड ऑफ पाइपलाइनिंग. दिस ब्लू इज सेकेंड काइंड ऑफ पाइपलाइनिंग, दिस पर्पल इज थर्ड, ग्रीन इज फोर्थ, एंड लाइकवाइज. एंड वॉट एवर ब्लॉक्स आर शोन विद द क्रॉसेस, ओके, दीज आर ऑन गोइंग एग्जीक्यूशन ब्लॉक्स. ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इफ एट अ टाइम वन इंस्ट्रक्शन इज गेटिंग शेयर्ड, ओके, नॉट शेयर्ड, इफ एट अ टाइम वन इंस्ट्रक्शन इज गेटिंग प्रोसेस, सो हाउ मेनी साइकिल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट इंस्ट्रक्शन. सो द आंसर फॉर दिस इज वन. यू रिक्वायर्ड ओनली वन साइकिल टू कंप्लीट द इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, दैट मीन्स वन इंस्ट्रक्शन टू गेट इट प्रोसेस. एट अ टाइम ओनली वन इंस्ट्रक्शन विल बी गेट प्रोसेस. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, क्लॉक साइकिल जीरो पे, ओके, फोर इंस्ट्रक्शन आर वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड. सो दीज आर द फोर इंस्ट्रक्शंस, 1, 2, 3, 4, रेड, ब्लू, पर्पल एंड ग्रीन. देन इफ यू गो ऑन द क्लॉक साइकिल वन, हियर इफ यू गो ऑन क्लॉक साइकिल वन, जस्ट सी दिस, दिस इज द ग्रीन लाइन इंस्ट्रक्शन विच हैज बीन फेच्ड ओवर हियर. ओके, आपको सिर्फ ये ब्लॉक कंसिडर करना है जहां पे आपने ग्रीन ग्रीन लाइन से जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन इन हुई है, यहाँ पे वो फेच हो रही है. अगर आप साइकिल टू पे जाते हैं तो ग्रीन साइकिल में जो भी इंस्ट्रक्शन थी वो अब डिकोड में आ गई है, जो भी पर्पल में थी वो अब फेच में आ गई है, और जो भी रेड में है वो अभी वेटिंग में ही है. ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे साइकिल नंबर थ्री पे आते हैं तो योर इंस्ट्रक्शन विच विल बी प्रीवियसली इन द डिकोड, नाउ दैट हैज बीन प्रोसेस्ड इन द एग्जीक्यूट स्टेज. जो पर्पल इंस्ट्रक्शन आपकी डिकोड में यहाँ पे थी फेच में, वो अभी डिकोड में आ गई है, और जो रेड इंस्ट्रक्शंस आपकी यहाँ पे वेटिंग स्टेट में थी, वो रेड इंस्ट्रक्शन अभी यहाँ पे अभी वो प्रोसेस में आएगी. यानी अगर आप देखोगे तो ग्रीन, पर्पल और ब्लू, तो ग्रीन इज इन एग्जीक्यूट स्टेट, पर्पल इंस्ट्रक्शन इज इट इन डिकोड स्टेट, एंड ब्लू इंस्ट्रक्शन इज इट इन द फेच स्टेज. अगर आप फोर्थ में जाओगे तो ग्रीन इंस्ट्रक्शन इज इन राइट बैक, ओके, पर्पल इज इन एग्जीक्यूट, देन दिस ब्लू इज इन डिकोड, एंड दिस फेच इज इन द फेच, दिस रेड इज इन द फेच स्टेट. सो लाइकवाइज इट विल गो एंड एंड ऑन. सो अभी यहाँ पे ग्रीन का कंप्लीट हो गया है, ग्रीन ब्लॉक्स इज दैट इंस्ट्रक्शन हैज बीन नाउ यहाँ से बाहर आ गई है पाइपलाइन से, दैट विल बिकम अ कंप्लीटेड इंस्ट्रक्शन. तो आपको साइकिल कैसी देखनी है, तो आपको साइकिल ऐसे वर्टिकली देखनी है. व्हाट विल बी द साइकिल, जैसे समझ लो ये ब्लॉक है, पहले चार का ब्लॉक है, फिर वन ब्लॉक एट अ टाइम.
तो यहाँ पे एक ब्लॉक आ गया, यहाँ पे दो ब्लॉक आ गए, यहाँ पे ये फिर तीन ब्लॉक आ गए, यहाँ पे ये चार आ गए, फिर से जो पहले इन था वो पहले आउट हो रहा है, जो पहले इन था वो पहले आउट हो रहा है, यहाँ पे भी वन, फिर टू, फिर थ्री एंड फोर। सो दिस इज हाउ ये टेबल पे यहाँ पे नोट डाउन किया है, ठीक है, दिस इज हाउ द पाइपलाइनिंग एक्चुअली वर्क्स। ओके, नाउ वी विल मूव फॉर द ब्रांच प्रेडिक्शन। ब्रांच प्रेडिक्शन, व्हाट इज द ब्रांच प्रेडिक्शन? कल हम लोगों ने ये देखा था क्या, ब्रांच प्रेडिक्शन? नहीं ओके, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ब्रांच प्रेडिक्शन, ब्रांच प्रेडिक्शन में द प्रोसेसर लुक्स अहेड इन द इंस्ट्रक्शन कोड टू फेच फ्रॉम द मेमोरी एंड इट प्रोड्यूस प्रेडिक्स फ्रॉम विच ब्रांच और फॉर विच ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दे आर लाइकली टू बी प्रोसेस नेक्स्ट। मीन्स वॉट, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट है, मैं पेन ले लेती हूँ, पॉइंटर पेन। यस, यहाँ पे ये मेरा एग्जीक्यूशन जा रहा है प्रोग्राम का। हियर समवेयर आई गॉट सम ब्रांच। ओके, ब्रांच मीन्स वॉट, यहाँ पे एक तो एग्जीक्यूशन मेरा फ्लो विल लाइक दिस और अदरवाइज माई फ्लो विल लाइक दिस। ओके, फिर यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स है एग्जीक्यूशन के। ओके, इस ब्लॉक्स के बाद फिर से यहाँ पे कुछ ऐसा ब्रांचिंग आ रहा है, यहाँ पे कुछ ब्रांचिंग नहीं है लेकिन, ठीक है, फिर यहाँ पे मैं कुछ ब्लॉक प्रोसेस कर रही हूँ, इसका आउटपुट इस ब्लॉक को जा रहा है, इसका भी आउटपुट इस ब्लॉक को जा रहा है, इसका भी आउटपुट इस ब्लॉक को जा रहा है, एंड देन दिस ब्लॉक इज प्रोसेसिंग अहेड। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ इंस्ट्रक्शन है जो मुझे प्रोसेस करनी है, तो आइदर माई फ्लो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, इट विल गो हियर, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, ये हो गया मेरा पाथ नंबर वन। फिर उसके बाद मेरा पार्ट नंबर टू क्या है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इट विल गो लाइक दिस, तो दिस इज माय पार्ट नंबर टू। पार्ट नंबर थ्री विल बी, इट विल गो लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस, दिस इज माय पार्ट नंबर थ्री। सो देर आर थ्री वेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेर आई कैन स्टार्ट माय ओके एग्जीक्यूशन। इन ब्रांच प्रेडिक्शन आई हैव टू चूज, दैट मींस द प्रोसेसर हैज टू चूज दैट पर्टिकुलर पाथ, ओके, विच गिव्स मी द करेक्ट प्रेडिक्शन। ओके, विच गिव्स मी द करेक्ट प्रेडिक्शन। तो उसमें क्या होता है, ब्रांच प्रेडिक्शन में अगर आई एम यूजिंग पाइपलाइनिंग, ओके, पाइपलाइनिंग तो यूज होती है, लेकिन इफ आई एम यूजिंग द जंप कॉल और द रिटर्न काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रोग्राम है, यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है जंप टू लोकेशन 1000। ओके, जंप टू लोकेशन 1000, तो अभी समझ लो ये मेरा 450 पे पॉइंटर है, ठीक है, मेरा प्रोग्राम पॉइंटर इज इन 450। तो यहाँ से जब मैं उसको ये यहाँ पे जंप 100 1000 बोलती हूँ, तो इट विल डायरेक्टली जंप टू द लोकेशन वेयर 1000 इज देयर। ओके, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लेट अस से कॉल टू 450। ओके, कॉल टू 450, तो मेरा प्रोग्राम पॉइंटर विल मूव फ्रॉम 450 डायरेक्टली, इट विल गेट जंप टू 1000। ओके, देन इन पाइपलाइनिंग प्रोसेस आल्सो द पॉइंटर विल डायरेक्टली गेट जंप फ्रॉम 450 टू 1000, लेकिन 1000 में आके क्या हो गया, इट इज अगेन कॉलिंग द 450। दैट मीन्स यहाँ पे फॉरवर्ड ब्रांच प्रेडिक्शन हो रहा है और यहाँ पे ये बैकवर्ड ब्रांच प्रेडिक्शन हो रहा है। मीन्स वॉट, यहाँ पे एक लूप क्रिएट हो गया है एंटी क्लॉकवाइज, और उस लूप के वजह से मेरा प्रोसेसर समटाइम्स हैंग हो सकता है, बिकॉज प्रोग्राम ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस आर एक्चुअली ट्रांसफर्ड फ्रॉम 450 टू 1000, 1000 टू 450, 1000 टू 450, 450 टू 1000, सो लाइक वाइज इट इज गोइंग एंड ऑन। सो अगर ये ऐसा लूपिंग काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर्म हो गए यहाँ पे, तो एट दैट टाइम योर इंस्ट्रक्शंस, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम योर इंस्ट्रक्शंस मे बिकम इनवैलिड। ओके, तो आपका प्रोसेसर वहां पे हैंग हो सकता है। सो इन द पाइपलाइनिंग एंड इन ब्रांच प्रेडिक्शन यू हैव टू टेक केयर दैट एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ पाथ आई हैव टू चूज। तो आपको यहाँ पे पाथ नंबर वन पे जाना है, या पाथ नंबर टू पे जाना है, या पाथ नंबर थ्री पे जाना है, ये आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। तो ब्रांच प्रेडिक्शन इज गिविंग मी द फैसिलिटी वेयर आई एम एक्चुअली चूजिंग माई ब्रांच इन स्टैटिक वे और इन द डायनामिक वे। तो स्टैटिक में क्या होता है, फर्स्ट टाइम में ही प्रोसेसर चूज कर लेता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चालू होना होता है उससे पहले ही ये चूज कर लेता है कि मुझे ये पाथ चूज करना है।
लेकिन डायनामिक में क्या होता है, एट द रैंडम पॉइंट ऑफ व्यू द प्रोसेसर कैन टेक आइदर पाथ वन और आइदर पाथ टू और आइदर पाथ थ्री. सो दैट इज द ब्रांच प्रेडिक्शन वेयर एक्चुअली प्रोसेसर प्रेडिक्स द ब्रांच विच मे गिव यू द करेक्ट पाथ, करेक्ट आंसर. ठीक है, जिसमें आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी मिलती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपके वहां पे करेक्ट आंसर देते हैं और ऑप्टिमाइज्ड पाथ आप चूज करते हो. अगर मैं पाथ नंबर वन चूज करूंगी तो वो इट विल बी हैविंग मोर इंस्ट्रक्शन टाइम, लेकिन टू और थ्री करूंगी तो इट विल टेक लेस इंस्ट्रक्शन टाइम. सो आई हैव टू चूज द ऑप्टिमाइज सोल्यूशन एंड आई हैव टू चूज द करेक्ट सोल्यूशन. सो दैट इज द वन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द प्रोसेसर, दैट इज कॉल्ड एज द ब्रांच प्रेडिक्शन. जैसे मैंने आपको यहाँ पे फॉरवर्ड कंडीशनल ब्रांचेस एंड बैकवर्ड कंडीशनल ब्रांचेस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि उसमें प्रोग्राम काउंटर 450 से 1000 जाता है, आगे जाता है तो इट विल बी फॉरवर्ड, और अगर आगे जाके फिर से बैक आता है तो इट विल बी अ बैकवर्ड कंडीशनल ब्रांचेस. और इसमें दोनों में भी क्या होता है ना, फॉरवर्ड में इतना प्रोसेसिंग टाइम नहीं लगता लेकिन बैकवर्ड में ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम लगता है, क्योंकि वंस प्रोग्राम बैकवर्ड कंडीशनल ब्रांचेस में चला गया देन एट दैट टाइम जहां से भी वो स्टार्ट करेगा उसका बैकवर्ड ब्रांचिंग, फ्रॉम देयर इट हैज टू एग्जीक्यूट द होल प्रोग्राम अगेन. सो मे बी समटाइम्स द प्रोसेसिंग स्पीड विल बी मोर इन केस ऑफ द बैकवर्ड कंडीशनल ब्रांचेस. अनकंडीशनल ब्रांचेस में क्या होता है, जैसे टू टाइप्स के कंडीशंस होते हैं. अगर मैंने यहाँ पे लिखा है जम्प, ओके, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे जम्प 1000, तो दिस इज कॉल्ड एज द अनकंडीशनल ब्रांचिंग, क्योंकि मैं डायरेक्टली जम्प कर रही हूँ 1000 पे, वहां पे कोई कंडीशन है नहीं. लेकिन अगर मैं ये यूज करती हूँ जम्प एन ई, ओके, तो इसका मतलब होता है देर इज सम कंडीशनल जम्प. जम्प करना है लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ही जम्प करना है, अदरवाइज नहीं. तो इसमें इट्स वर्किंग लाइक यूअर सी प्लस प्लस रूटीन. जैसे सी प्लस प्लस में क्या होता है, इफ, ओके, इफ मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है देन आई हैव टू जम्प. शिट, ये पॉइंटर से बहुत डिफिकल्ट जाती है. ओके, अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन आई हैव टू जम्प, अदरवाइज इन एल्स पार्ट, ओके, इन एल्स पार्ट आई डोंट हैव टू जम्प, ओके, आई विल डायरेक्टली स्टॉप हियर. जैसे आपका ये इफ लूप में वर्क होता है सीपीपी में या सी में, वैसे अगर मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ही जम्प करना है. सो फॉर दैट पर्पस आई एम यूजिंग दिस जम्प एन ई, जम्प कंडीशनल. ओके, कंडीशंस आर देयर फॉर द जंपिंग. ओके, सो यहाँ पे जैसे ये कंपेयर इंस्ट्रक्शंस होती है, जैसे 8086 x86 आर्किटेक्चर हम इसके बाद देखने वाले हैं, वेयर दिस टाइप ऑफ ब्रांच प्रेडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर आर सर्टेन ब्रांच प्रेडिक्शन एल्गोरिथम्स आर गिवन व्हिच विल बी फॉलोइंग दिस जंप इन ई और कंपेयर टाइप ऑफ द इंस्ट्रक्शन. तो आपको ये समझ में आ गया, फॉरवर्ड कंडीशनल ब्रांचेस यानी अगर ये आपका प्रोग्राम है तो यहाँ पे 450 से अगर वो 1000 पे आता है तो दिस इज फॉरवर्ड कंडीशनल ब्रांचिंग, लेकिन 450 से अगर फिर से 1000 पे जा रहा है तो दिस इज बैकवर्ड कंडीशनल जंपिंग. एंड अनकंडीशनल में सिर्फ जंप 1000 है यहाँ पे, अगर ये जंप 1000 है तो इट इज अनकंडीशनल ब्रांचेस, लेकिन अगर जंप एन ई जैसे इंस्ट्रक्शंस में यूज कर रही हूँ देन दिस इज कॉल्ड एज द कंडीशनल जंपिंग, कंडीशनल ब्रांचिंग. ठीक है, तो दैट इज द ब्रांच प्रेडिक्शन. ठीक है, नाउ स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन. इन दिस स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है. इन स्पेक्युलेटिव, स्पेक्युलेटिव मीन्स हैविंग सम काइंड ऑफ प्रेडिक्शंस फॉर द फ्यूचर. ठीक है, मुझे फ्यूचर के लिए ऐसा पाथ चूज करना है, द प्रोसेसर हैज टू चूज द पाथ इन सच अ वे दैट माई पाथ शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, माई पाथ शुड बी करेक्ट एंड माई आंसर शुड बी करेक्ट. सो दिस इज द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन ये हमें ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक प्रोवाइड करता है बाई विच आई कैन परफॉर्म सम ऑफ द टास्क दैट मे नॉट बी नीडेड. ओके, वेयर द कंप्यूटर परफॉर्म्स द टास्क विच मे नॉट बी नीडेड.
एंड वर्क इज डन बिफोर इट इज नोन वेदर इट इज एक्चुअली नीडेड और नॉट. जैसे अभी अभी समझ लो ये मेरा कुछ रूट नोड है, यहाँ से मैंने कुछ प्रोसेस कर लिया है, यहाँ पे भी मेरा रूट नोड है, यहाँ से भी मैंने कुछ प्रोसेस किया है, और यहाँ पे मेरा और एक नोड है, यहाँ से भी मैंने कुछ प्रोसेस कर लिया. अभी ये ट्री में कैसे प्रोसेस कर सकती हूँ, आइदर विद पाथ वन. ओके पाथ वन क्या होगा मेरा, पाथ वन है ये, यहाँ से ये हो गया मेरा पाथ वन. ठीक है ये पाथ वन है, फिर ये मेरा पाथ टू है, ठीक है सिमिलरली ये मेरा पाथ थ्री है एंड ये मेरा पाथ फोर है. ठीक है तो अभी मुझे स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन में व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फाइंड आउट द ऑप्टिमाइज्ड पाथ. लेकिन ऑप्टिमाइज्ड पाथ कौन सा है ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे पाथ वन पाथ टू पाथ थ्री एंड पाथ फोर चारों में से मुझे पाथ फाइंड आउट करना पड़ेगा. पहले मुझे जाके देखना पड़ेगा पाथ वन से मुझे कितना आउटपुट मिलता है, पाथ टू से कितना मिलता है, थ्री से कितना मिलता है, फोर से कितना मिलता है. मीन्स व्हाट हियर आई हैव टू टेक केयर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल पाथ वन में मैं 2 मिनट में पहुंचती हूँ. ओके पाथ वन में मुझे 2 मिनट लग रहे पहुंचने में, ठीक है पाथ वन में. फिर पाथ टू में मुझे 1.85 लग रहे, ठीक है पाथ थ्री में मुझे लेटेस्ट से 1 मिनट लग रहा है, और पाथ फोर में मुझे कितना लग रहा है, पाथ फोर में मुझे से 0.5 मिल रहा है, ठीक है 0.5 टाइम लग रहा है. तो मुझे समझ में आया ये देख के दैट पाथ फोर इज हैविंग द ऑप्टिमिस्टिक पाथ. बट उसके लिए टू गेट दिस आउटपुट आई हैव टू गो थ्रू अननेसेसरी टास्क ऑफ वन, अननेसेसरी टास्क ऑफ टू एंड अननेसेसरी टास्क ऑफ थ्री. दैट मीन्स इन स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन दिस इज द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक वेयर कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स सम ऑफ द टास्क विच मे नॉट बी नीडेड. बट ये सब कब पता चलता है, आफ्टर एक्चुअली नीडेड और नॉट, ये सब कुछ हमें वर्क हो जाने के बाद ही पता चलता है. तो टू अवॉइड दिस डिले, ओके टू अवॉइड दिस डिले वी मस्ट हैव टू इनकर द डूइंग द वर्क आफ्टर इट इज नोन दैट इट इज नीडेड. तो हमें सिर्फ ये काम तभी करना है जब हमें पता चले कि ये काम मुझे करना है. ठीक है तो बिफोर एंड आफ्टर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे हियर आई एम गेटिंग सम आंसर्स, ओके हियर आई एम गेटिंग सम आंसर्स सम कंफर्मेशंस. अभी कुछ कुछ एमसीक्यू सिस्टम ऐसी डिजाइन रहती है, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ एमसीक्यू सिस्टम्स का. तो यहाँ पे कुछ एमसीक्यू सिस्टम्स ऐसी डिजाइन होती है जिसमें हम एन नंबर ऑफ टाइम्स उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. मीन्स व्हाट, बेस्ड ऑन प्रेडिक्शन आई एम गिविंग सम आंसर्स, ओके बेस्ड ऑन प्रेडिक्शन आई एम गिविंग सम आंसर. तो दिस इज द पाथ वन विच आई एम फॉलोइंग एंड दिस इज द पाथ टू विच आई एम फॉलोइंग. इन पाथ वन आई हैव टू परफॉर्म दिस वन टास्क एंड आई विल रीच टू द डेस्टिनेशन एंड माई आंसर विल बी गेट कन्फर्म. बट इन द पाथ टू आई हैव टू विजिट टू द टास्क वन देन टास्क टू then task 3 and then I can confirm the answer. Then probably it will shows that here in prediction or additions, that means in this particular task 1 it may take 1 minute to complete whereas it may take 2 minutes to complete. So even though the time required here is more, but here I have to confirm the more task and here I have to confirm the less number of tasks. So based on that, I may do some kind of predictions over here that whether path 1 is better or path 2 is better. So this is the after kind of condition where with this task I am having some previous hints now. So based on those previous hints, I can speculate. That means I can analyze that path 1 is more better as compared to path 2 because I have followed both the path and later on I came to know that path one is only the better path and not the path two. So I may know the answer. Okay, I may know the answer. That is why here hints and answer are given and speculation. Speculation means future analysis has been done. And this is called as the speculative execution, which is the third type of parameter which affects the processor speed. Okay, guys, are you there and are you understanding the things? समझ में आ रहा है ना? यस मैम। यस ओके. मुझे बहुत देर तक रिप्लाई नहीं मिलता है तो मुझे लगता है फिर से आई हैव लॉस्ट माय कनेक्शन और व्हाट समथिंग. ओके
because I am in the urge of explaining you the things, and because of that I was completely engaged with it, so I cannot go for it. Okay, so in speculative execution, three types of execution is there: eager execution, predictive execution, and lazy execution. ईगर एग्जीक्यूशन इज द काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ द स्टूडेंट जिसको दो पाथ दिए हुए होते हैं, और या फिर दो क्वेश्चंस दिए होते हैं और उसमें से उसको एक ही सॉल्व करना है. तो ईगर एग्जीक्यूशन में क्या होता है ना, वो दोनों के दोनों सॉल्व कर देता है. दैट इज ईगर एग्जीक्यूशन. इवन दो ही हैज टू डू ओनली वन, बट ही इज डूइंग बोथ द ऑपरेशन. ओके, सो हियर आई एम एक्सप्लेनिंग यू. ईगर एग्जीक्यूशन इज द फॉर्म ऑफ अ स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन वेयर बोथ द साइड्स ऑफ द कंडीशनल ब्रांचेस आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. प्रेडिक्टिव एग्जीक्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे बेस्ड ऑन द आउटकम इट एग्जीक्यूट्स, बेस्ड ऑन द आउटकम्स इट एग्जीक्यूट्स द पाथ. एंड लेजी एग्जीक्यूशन में क्या होता है, वो दोनों भी स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व ही नहीं रहता है, वो कोई तो एक पाथ करके फिनिश अप कर देता है. ही डोंट केयर अबाउट द एक्यूरेसी और ही डजंट केयर अबाउट द समथिंग करेक्ट पाथ. ओके, सो लेजी एग्जीक्यूशन एज नेम इंडिकेट्स इट्स वेरी लेजी इन नेचर. दे डोंट वॉन्ट टू गेट एग्जीक्यूट एनीथिंग. ठीक है, दे वॉन्ट रेडीमेड आंसर्स, दे वॉन्ट रेडीमेड आंसर्स. प्रेडिक्टिव एग्जीक्यूशन में चलो दोनों में से एक करने को कहा है तो मैं कोई भी एक कर लूंगा. ओके, दैट इज द प्रेडिक्टिव. एंड ईगर एग्जीक्यूशन में अरे दो करने को कहा है तो मैं दोनों भी करूंगा, इवन दो आई हैव टू डू ओनली वन. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ईगर एग्जीक्यूशन, प्रेडिक्टिव एंड लेजी एग्जीक्यूशन. नाउ हाउ टू कीप द परफॉर्मेंस बैलेंस बिटवीन दिस. तो परफॉर्मेंस बैलेंस में क्या करना है आपको, बैलेंस को परफॉर्मेंस को बैलेंस करना है. तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स करनी है, तो आपको ये पिरामिड फॉलो करना है. ओके, पिरामिड में क्या पॉइंट है, ठीक है, पिरामिड में फर्स्ट पॉइंट ये है, यहाँ पे ये आपका एक्चुअली ये पॉइंट नंबर वन है, फिर कोई भी पॉइंट नंबर टू थ्री, इसका कोई सिक्वेंस नहीं है. तो हम लोग पहले पॉइंट नंबर वन देखते हैं. रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेमोरी एक्सेस. ठीक है, आप जितने कम मेमोरी ट्रांजेक्शन रखोगे, आप मैक्सिमम टाइम आपका जो डेटा है, जो जहां से आपको इजीली एक्सेसिबल होगा वहां पे आप उसको प्रेजेंट करो. तो दैट इज कॉल्ड एज समथिंग द रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेमोरी एक्सेस. तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, जिस इन दैट केस इट विल बी हेल्पिंग यू टू हैव द परफॉर्मेंस बैलेंस. सो रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस. ठीक है, सेकेंड ऑपरेशन, इंक्रीज द नंबर ऑफ बिट्स दैट आर रिट्राइव एट वन एट अ टाइम. ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज करने हैं. ठीक है, और उस नंबर ऑफ बिट्स को आपको ज्यादा वाइडर रखना है, डीपर नहीं रखना है. ठीक है, यानी आपको स्टैक काइंड ऑफ मेमोरी स्ट्रक्चर नहीं यूज करना है, जहां पे आप मेमोरी बिट्स डाल ही रहे हो. तो उसको आप इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट लाइक दिस, आपको ऐसा मेमोरी स्ट्रक्चर रखना है जो वाइडर इन नेचर हो, नॉट नैरो इन नेचर. ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, ये पॉइंट ये है. ओके, वाइडर का. फिर थर्ड है डी रैम का इंटरफेस आप कम से कम रखो. ठीक है, जिससे आपको कैश मेमोरी और बफरिंग का टाइम मिले. ठीक है, और लास्ट वन है इंटरकनेक्शन बैंडविड्थ. आपकी जो प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में जो इंटरकनेक्शन बैंडविड्थ है, इंक्रीज द बैंडविड्थ सो दैट स्पीड विल बी मोर. ओके, सो दैट द स्पीड विल बी मोर. सो दीज आर जस्ट द फोर फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व. और ये जो बीच वाला फैक्टर है, ओके, ये फैक्टर है डिपेंडेंट ऑन दिस दिस एंड दिस. ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ हाउ टू बैलेंस इट, हाउ टू बैलेंस द परफॉर्मेंस, दैट इज द स्ट्रक्चर. दिस इज द टिपिकल इनपुट आउटपुट डिवाइस डेटा रेट. यानी यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दिख रहे हैं. ओके, वो डिवाइसेस में क्या क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, कीबोर्ड है, माउस है, मॉडेम, फ्लॉपी डिस्क, लेजर प्रिंटर, स्कैनर, ऑप्टिकल डिस्क, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा. सो उसका डेटा रेट क्या है, डेटा रेट मीन्स व्हाट इज द ऑपरेटिंग स्पीड, डेटा ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ दिस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. सो अगर आप कीबोर्ड देखोगे तो उसका 10^2 के अराउंड है. अगर आप माउस देखोगे तो 10^2 समथिंग 2 और 3 के बीच में है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे अगर मॉडेम देखोगे तो 10^5 के अराउंड है.
तो ये सिर्फ ग्राफ है, ये ग्राफ आपकी बुक में भी अवेलेबल है। ये यहाँ पे सिर्फ उनको यही दिखाना है कि फ्रॉम कीबोर्ड ऑनवर्ड्स जैसे आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की ओर जाते हो, एट दैट टाइम दिस गीगाबाइट इथरनेट इज हैविंग द मैक्सिमम काइंड ऑफ द डेटा रेट। यानी ये इथरनेट इज द वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिवाइस विच विल बी हैंडलिंग द मैक्सिमम डेटा इनपुट आउटपुट। ओके, हार्ड डिस्क भी 10^5 के अराउंड है, सो मैक्सिमम स्पीड इज 10^9, सो हार्ड डिस्क इज 10^8। ओके, 10^8, 10^ समथिंग मोर देन दैट। सो ये आपको ग्राफ यही दिखाता है, दिस इज द ग्राफ विच शोज यू हाउ द डेटा रेट्स वेरीज फ्रॉम इनपुट आउटपुट। सो कीबोर्ड इज हैविंग द मिनिमम नंबर ऑफ डेटा रेट एंड इथरनेट इज हैविंग द मैक्सिमम। ओके, इम्प्रूवमेंट इन चिप एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, सो इम्प्रूवमेंट इन चिप में क्या है कि जैसे आपको प्रोसेसर का स्पीड पे वी हैव सीन द हार्डवेयर स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, उसमें फंडामेंटली लॉजिक गेट्स जो रहते हैं, वॉट एवर इज द लॉजिक गेट्स आई एम यूजिंग, एन नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स आर देयर, सो ऑल लॉजिक गेट्स आर हाईली टाइट। ओके, एंड इंक्रीजिंग द क्लॉक रेट। नाउ अगर ये समझ लो ये आपका कोई गेट है, ओके दिस इज द गेट विच आई एम फॉलोइंग, तो यहाँ पे समवेयर इसको कंट्रोल सिग्नल्स लगते हैं टू वर्क ऑन, एंड यहाँ से आप उनको मिलता है क्लॉक रेट। ओके, सो क्लॉक रेट इज समथिंग रेट ऑन विच दिस पर्टिकुलर गेट ऑपरेट्स, एंड कंट्रोल सिग्नल इज द सिग्नल विच हेल्प्स द गेट टू स्टार्ट द ऑपरेटिंग। ठीक है, तो जब तक उसको कंट्रोल सिग्नल नहीं मिलता मिलता और जब तक उसको क्लॉक रेट नहीं मिलता, एट दैट टाइम टिल द दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस पर्टिकुलर गेट विल नॉट वर्क। तो प्रोपेगेशन टाइम इज द टाइम, ओके प्रोपेगेशन टाइम इज द टाइम वेयर सिग्नल रीच टू द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। ठीक है, सिग्नल रीच टू द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द सिग्नल टू पर्टिकुलर डेस्टिनेशन इज नथिंग बट द प्रोपेगेशन टाइम। सो हियर द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन हाउ टाइटली द गेट्स आर एनक्लोज, वॉट इज द क्लॉक रेट एंड वॉट इज द प्रोपेगेशन टाइम। सो अननेसेसरीली डिले मस्ट नॉट बी गेट इंक्लूडेड ओवर हियर। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कि आपका टाइट गेट का जो डिजाइन है, एज मोर एंड मोर नंबर ऑफ गेट्स आर इन्वॉल्व इट मस्ट बी पैक इन अ टाइट मैनर, उनको पास पास में आप उनको लोकेट करो, सो दैट द डिले विल नॉट बी गेट इंट्रोड्यूस्ड। सेकेंडली द कैश टाइम शुड बी गेट ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली। द कैश टाइम मीन्स द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस द कंटेंट्स ऑफ द कैश मेमोरी, दैट इज द कैश एक्सेस टाइम, टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस द कंटेंट्स ऑफ द कैश मेमोरी। नाउ व्हाट इज द कैश मेमोरी? कैश मेमोरी इज समथिंग, जैसे आपने कोई ब्राउजर पे कुछ वेब पेजेस आपने ब्राउज कर लिए, देन एट दैट टाइम दैट ब्राउज हिस्ट्री इज नथिंग बट दैट ब्राउज हिस्ट्री इज स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर। ओके, एंड इनसाइड द कैश मेमोरी, सो आपको वहां पे करेंटली कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको वो कैश मेमोरी वहां पे सेव रहती है, जिसमें यू कैन सी द करंट हिस्ट्री। इवन अगर आपने कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ डॉक्यूमेंट पे काम कर लिया है, सो रिसेंट डॉक्यूमेंट यू कैन सी बिकॉज ऑफ द कैश मेमोरी। सो कैश मेमोरी इंक्रीज द स्पीड एंड इंक्रीज द स्पीड एंड साइज। ओके, एंड थर्ड वन इज इफेक्टिव, हम लोगों ने पैरलिज्म वी हैव स्टडीड, सो इंक्रीज द इफेक्टिव स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन ड्यू टू द इंस्ट्रक्शन पैरलिज्म, जो हम लोगों ने अभी पाइपलाइन स्टडी की है, सो दैट इज ऑल्सो अ पैरलिज्म, सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इन द पाइपलाइनिंग। ओके, ये हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट्स देखी है, नाउ वी विल गो फॉर द प्रॉब्लम्स विद द क्लॉक स्पीड एंड लॉजिक डेंसिटी, लॉगिन डेंसिटी। जैसे यहाँ पे पावर पावर डेंसिटी इंक्रीजेस विद डेंसिटी ऑफ लॉजिक एंड क्लॉक स्पीड, सो यहाँ पे इफ मोर नंबर ऑफ पावर हिट पावर हैज बीन गेटिंग डिसिपिएटिंग, सो मोर नंबर ऑफ हीट हैज बीन गेटिंग प्रोड्यूस्ड। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, वहां पे जितने ज्यादा लॉजिक गेट उतना ज्यादा हीट डिसिपिएशन होगा। फिर अगर आपने रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के बीच में मेटल वायर यूज किया है इन वाइल डिजाइनिंग द सर्किट, इफ यू हैव यूज द मेटल वायर स्टिल
इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एट इट्स ओन स्पीड और उसके वजह से डिले इंट्रोड्यूस हो सकता है. सो फॉर दैट पर्पज व्हाट इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड इज यू शुड मैक्सिमम टाइम यू शुड अवॉइड द यूज ऑफ द मेटल वायर्स. इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड कीप द दिस रेजिस्टर्स और दिस कैपेसिटर्स इन सच अ वे दैट दे आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर एंड देर इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ इंटरकनेक्शन इज रिक्वायर्ड सो दैट लेस अमाउंट ऑफ डिले विल बी गेट introduced. And memory speed lag processor speed. अगर memory का speed कम हो गया तो processor का speed भी कम हो जाए. So for that purpose we should avoid the maximum number of memory, यानि memory से in, memory से out, memory input output transactions हमें कम करने चाहिए. So that is something called as the memory latency. Okay. ओके समझ में आ रहा है ना. आर यू गाइस विथ मी, आर यू देयर? यस मैम. ओके थैंक यू. सी दिस नाउ, दिस इज द प्रोसेसर ट्रेंड, मींस हाउ मैक्सिमम टाइम्स द यूज ऑफ द प्रोसेसर हैज बीन गेटिंग increased. So अगर आप ये देखोगे in 1970 up to 2010 the use of the processor has been increased tremendously. ये देखिए, the graph is going up and up and up. Okay, so यहाँ पे this green is showing the use of the cores, this purple is showing the power in watts, this red is showing the frequency in hertz. Okay, and this particular transistors, use of transistors in the black color. Okay, or gray color. तो यहाँ पे दिस ग्राफ इज ओनली मेकिंग अस अंडरस्टैंड दैट यूज ऑफ प्रोसेसर हैज बीन गेटिंग डे बाय डे इंक्रीज विद द फैक्टर ऑफ 10^4, 5, 6 and 7. अभी ये 2010 तक का ही है. इफ यू सी 2020, ओके, इफ यू सी 2020, सो यू विल फाइंड दिस ग्राफ समवेयर हियर, जिसमें हम लोगों ने मैक्सिमम कोर्स यूज किए हैं, पावर डिसिपिएशन भी कम है, फ्रीक्वेंसी सॉरी पावर डिसिपिएशन भी हाई है इन वैट्स, फ्रीक्वेंसी पर यूज हाई है एंड ट्रांजिस्टर्स भी हाई है. ट्रांजिस्टर्स मींस व्हाट? इंटीग्रेटेड सर्किट्स. सो वी हैव यूज द अल्ट्रा अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यू एल एस आई. ओके, यूएलएसआई, वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल. तो नाउअडेज वी आर यूजिंग द अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट यूएलएसआई, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंटेनिंग द मल्टीपल कंपोनेंट्स ऑन वन पर्टिकुलर सर्किट. ओके, एंड दे आर ऑपरेटिंग एट देयर ओन स्पीड. Okay, they are operating at their own speed, and this is called as the what I can say, the tremendous growth in the use of the processor, which is also called as the processor trends. Okay, any problem up till now? Are you getting? Hello. I'm not getting the yes sir. Yes ma'am. Thank you. Now we have shifted to the multi-core. Okay, we have shifted to the multi-core. Can anybody tell me what is the multi-core? Multiple processor on same chip. Multiple processors on the same chip. Yes. Okay. यहाँ पे this multi-core explains us. Okay. यहाँ पे this multi-core explains us how the core 1, 2, 3 and 4. How these cores are actually helping us to increase the performance. Okay. To increase the performance. If हमें कुछ complex task perform करना है, at that time that task will be divided into core 1, 2, 3, 4 in a such a way that it will going to do the complex operation at its own time. Okay, kam time mein wo kar sake. So the
use of multiple processors on the same chip, okay, it provides the potential to increase the performance without increasing the clock rate. So every hardware unit works on the clock rate and the control signals. So क्लॉक रेट हमने इंक्रीज नहीं किया फिर भी इसका प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ता है एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड एज द इंक्रीज इन परफॉर्मेंस. देन इवन दो आई एम यूजिंग वन और टू प्रोसेसर्स ऑन अ सिंगल चिप इट कैन एबल टू डू द कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन. ओके विथ टू प्रोसेसर्स लार्जर कैशेस मेमोरी जितना ज्यादा प्रोसेसर रहेगा उतने ज्यादा कैश मेमोरी का रहेगा और कैश मेमोरी इज हैविंग डिफरेंट लेवल्स. Level 1 cache memory, level 2 cache memory, level 3. So we will see those details later on what are the levels of the cache memory. But these cache memories gives us the happening kind of the data storage, which is the temporary kind of data storage. So every core is having its own cache memory. Okay. Every particular core is having its own kind of the cache memory. Okay, so that is the main benefit of the using multi cores. Okay. Yes, that is the one particular thing. Okay. Okay. This is guys, before going for it, बहुत फास्ट नहीं हो रहा है ना, फास्ट नहीं हो रहा है ना, यू आर गेटिंग द थिंग्स ना प्रॉपर वे? यस सर. हेलो. ओके. इफ somebody इज रिप्लाइंग ऑन द चैट बॉक्स, आई एम नॉट एबल टू सी द चैट बॉक्स राइट नाउ. ओके, सो if somebody wants to ask something, please ask me here in this particular window. Yes. Now we have started with the x86 architecture, which is the very important point from this CO unit number 1, and there are always a questions on the RISC and CISC architecture. So the CISC stands for Complex Instruction Set Computers. Okay, guys, I recommend you, if you are having pen and pencils nearby you, pen or book something, please have the habit of at least noting down the points. Okay, please have the habit of at least noting down the points. It will help you to understand what points we have covered in the classroom. So CISC stands for Complex Instruction Set Computers. Okay, it is used as it is having very complex and sophisticated design. So it is used majorly in mainframe and supercomputers. It is used majorly in mainframes and supercomputers. Next one is RISC. RISC is Reduced Instruction Set Computer. It is used in the ARM kind of architecture. ARM is also the name of microprocessor. Okay. It is very well known and a very general kind of microprocessor, ARM architecture processor. It is used in the embedded system as because this is more powerful and most generally used because it is very simple to understand also. Reduced Instruction Set Computer, RISC. Okay. Can anybody tell me what do you mean by an embedded system? Embedded system? Anybody? Do you have idea? Sorry, too much voice break is there. Embedded system has their own memory and input output device embedded on it only.
Yes, correct. Embedded system is having its own input output devices and it is having memory capacity. It's like an our ordinary system, okay? But the major difference between the regular system and embedded system is that the embedded system may be made up of the input output devices, or it may be the combination of two programming languages or one software device and one hardware device. Likewise, for example, your mobile phone is also an embedded device, where in the hardware device software has been embedded, okay? So that is also called as the embedded devices. So this RISC kind of architectures are used in the in embedded device we use the RISC, and while designing the mainframe or supercomputers we will be using the CISC kind of the computers. So all these are the part of the x86. X stands for 80, okay? There are many versions of this 86 architecture. Because of that, instead of mentioning all, the Intel and ARM is the two companies which has been in the design of RISC and CISC architecture, and this X stands for 80 or something else. So that is why this is very important. Okay. 1 minute. Today we will take this evaluation of Intel and this difference, because this difference is going to take a little more amount of time to explain it. So I will take this difference in the next lecture. I will take this evaluation because it will just going to take 5-6 minutes about the evaluation. So we will go for it. Okay, evaluation of Intel. 8080 is the first purpose microprocessor. Okay, first general purpose microprocessor. It is 8-bit. Okay, and it is used in the personal computer. And name of that computer is Altair. Okay, name of computer is the Altair. 8086. After 8086 come into the picture. Okay. Is my voice properly audible? Because I'm getting some disturbances at my end. I hope it is not looking at your end. Okay. Actually, some construction work is going on nearby my house. So there is too much machinery voice which I am getting in between. Okay, it has stopped. So 8086. It is more powerful than 8080. It is 16-bit machine. Okay. It has wider data path, larger registers, and it is supported with an instruction cache or queue. Okay. It is supported with the instruction cache or queue, and which prefetches the instruction before they are getting executed. यहाँ पे अभी हमें क्या करना है पता है? We are just going through the features of this 86 kind of प्रोसेसर्स. अगर आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 four kinds of evaluation has been there. Okay, I have to take some associated history also related with it. Okay, we'll do one thing. इसकी हिस्ट्री भी है और हिस्ट्री विल टेक सम टाइम. तो आई थिंक I'm going to stop here itself today, because this is my consecutively second lecture, third lecture. I'm again having one more lecture today scheduled. Okay. Now let me open up the platform for you people. You may please ask any questions if you have. If you have any difficulties. Because we are not just going to go ahead 60 minutes ka complete lecture. Is not actually worth, because there must be some interaction time between you and me, at least 5 minutes. Ma'am. Yes. Ma'am, the pipeline मधे तुम्ही म्हणले होते की ते काल diagonally नाही सरळच जातं. हाँ. Clock cycle पण मते diagonally होते ना, आज जे तुम्ही diagram दाखवली सुरुवातीला. हाँ. हाँ, क्वेश्चन काय डायगोनली होणार ना? डायगोनली
ऍक्च्युअली ते प्रोसेस्ड सरळच होते. ठीक आहे, प्रोसेस ऍक्च्युअली व्हर्च्युअल. नाव कन्सेप्च्युअली आय एम टेलिंग यू, सो कन्सेप्च्युअली इट इज गोइंग डायगोनली, बट इन ओके ऍक्च्युअल द पाइपलाइन्स आर प्रोसेस्ड इन व्हर्टिकल मॅनर ओनली. ठीक आहे, ओके आणि ते मॅम जे कलर कोड होते म्हणजे ते रेड पर्पल ब्ल्यू आणि ग्रीन, हाँ तर मग जेव्हा एक बेटिंग वर असेल एक फेच वर असेल एक डिकोड वर असेल तर तो सिक्वेन्स आपण चूज करतो का ते कॉम्प्युटर चूज करतं? प्रोसेसर इज गोइंग टू चूज इट. ओके, ओके कलर यस कोड इज टू अंडरस्टैंड दैट वन इंस्ट्रक्शन, वंस फॉर एग्जाम्पल वन इंस्ट्रक्शन इज इन द प्रोसेस लाइक इन ग्रीन पाइपलाइन, सो इट विल गो थ्रू थ्रू ग्रीन ओनली, इट विल नॉट गेट इंसर्टेड इन टू रेड और ब्लू. ओके, यस मैम वॉट आई वॉन्टेड टू से यू इज द इंस्ट्रक्शन इज गोइंग इन वन पाइपलाइन एट अ टाइम. ओके, इन वन यस पाइपलाइन एट अ टाइम इट विल नॉट गो. समटाइम पाइपलाइन हैज टू गेट टिल्ट. ओके, क्योंकि हमारे इवन वाटर पाइपलाइन भी कभी सीधी नहीं रहती है. ओके, कहीं ना कहीं जाके वो मुड़ जाती है. तो जैसे यस वहां पे ऑपरेशन खत्म हो गए हैं, पाइपलाइन इज गेटिंग ब्रेक एंड इट विल अगेन फ्लो थ्रू द प्रोग्राम फ्लो. ठीक है, यस सर थैंक यू ओके, एनीबडी एल्स, और किसी को कुछ प्रॉब्लम है? समझ में आ गया सबको? एनी प्रॉब्लम? आर यू गाइस गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? यस मैम ओके यस मैम ओके, यस आई एम मैम नॉट गेटिंग ऑल द रिस्पॉन्सेस ना, ओनली 5, 6, 10 पीपल आर रिस्पॉन्डिंग. वॉट अबाउट द अदर्स, वेदर दे आर गेटिंग इट और नॉट? हेलो, आर यू नॉट एबल टू अनम्यूट यूर सेल्फ? लेट मी हियर सम ब्यूटिफुल वॉइसेस. यश, जैन, पुरु, आदित्य, अजय, आनंद, दर्श, चिन्मय, गिरवानी. ओके ओके ठीक है. ओके, इफ यू आर गेटिंग इट, माय कंसर्न इज दैट ओनली यू शुड नॉट लिसन टू दीज थिंग्स इन अ फिजिकल मोड. ओके, मेंटली यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड यू नीड टू गो थ्रू इट. वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स इन द क्लास, देन बाद में आपको उसको ज्यादा रिवाइज नहीं करना पड़ता. विथ लिटिल रिव्यू यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स इन अ ईजी वे. सो दैट इज वाई आई एम इंसिस्टिंग मोर ऑन द अदर्स ऑल्सो हु आर एक्चुअली नॉट रिस्पॉन्डिंग इन एनी हाउ मैनर, बोल के भी नहीं और चैट से भी नहीं. सो ठीक है, आई एम डन फ्रॉम माई साइड टूडे. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल अगेन स्टार्ट विद द रिस्क आर्किटेक्चर एंड इवेल्युएशन. ओके, सो आई एम डन फ्रॉम माई साइड. इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज यू मे प्लीज आस्क, और नाउ यू कैन राइट डाउन योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स. If you have marked your attendance, then you can leave the meeting. Thank you so much.
हेलो। हाँ हेलो हाँ यस मैम, एक्चुअली माय रिस्पॉन्सेस आर नॉट मींस दे आर नॉट गेटिंग रिकॉर्डेड। हाँ, सो क्या हाउ कैन प्रॉब्लम आई आ रही मार्क है माय आपको, अटेंडेंस? आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है गणेश? मैम माय रिस्पॉन्सेस आर नॉट गोइंग, सो हाउ कैन आई मार्क माय अटेंडेंस? आपका आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो गया है, इसके वजह से योर रिस्पॉन्सेस आर नॉट गेट मार्क्ड। यस मैम, आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम। एक बार फिर से ट्राई करो गणेश। यस मैम। कनेक्शन चेक करो आप अपने एंड का, बिकॉज आई एम गेटिंग योर वॉइस प्रॉपरली। मैम स्टिल इट इज नॉट गोइंग ओके मैम, आई इट्स आई सेइंग फेल टू सेंड, टैप टू रीसेंड और डिलीट। ओके आई विल राइट डाउन फॉर यू। ठीक है, नो इश्यूज थैंक यू मैम। गणेश। टेल मी योर रोल नंबर। मैम 231007। भांगे ना? यस मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। यस ओके। एवरीवन डन विद द अटेंडेंस? मृदुला, मोहित, मोहित, हेलो, मोहित अदिमुलम, हैव यू मार्क योर अटेंडेंस? नचिकेत जोशी, मोहित, आर यू देयर?